हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, और जो टॉपिक आपने भी आपके पास भी काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और काफ़ी सारे रूमर्स अभी चल रहे हैं, काफ़ी सारे मिथ्स हैं, जैसे ही कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आज ही सुबह मुझे फ़ोन आया था कि मैडम, हमारे एरिया में काफ़ी सारे लोग हैं 45 प्लस है, उनको हम बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेना है, तो बोलते नहीं, वैक्सीनेशन लेने से हमें साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, हमें कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी, तो क्या करेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों के माइंड में डर है, कन्फ्यूजन है, और स्पेशली एज अ गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों में ऐसे अभी कन्फ्यूजन चल रहा है कि पीरियड्स जब शुरू है, पीरियड्स के दौरान वैक्सीनेशन नहीं लेना है, पीरियड्स के दौरान इम्यूनिटी कम होती है तो आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले तो मैं दो बात क्लियर करना चाहती हूँ कि यह जो कोविड वैक्सीनेशन है, जैसे अपने भारत देश में अभी कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, यह दो वैक्सीनेशन अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं, प्लस काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह भी कंप्लीट हो चुके हैं और काफ़ी सारे अभी चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट वैक्सीनेशन की वजह से देखने में नहीं आया है। और यह जो वैक्सीनेशन है, यह एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, यानी कि यह कोई लाइव वायरस वैक्सीन नहीं है। इसमें जो प्रोटीन रहता है, वायरस का जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन में से यह वैक्सीन बनाया है। सो दिस इज़ नॉट अ लाइव वैक्सीन। और जब भी ऐसा कोई मॉलिक्यूल रहता है या तो एटेन्यूएटेड वैक्सीन रहता है, तो उसके कोई ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बुखार आ सके, इंजेक्शन साइट में पेन हो सकता है, तो यह जो है यह माइनर साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हैं। सो वैक्सीन की वजह से आपको डरना नहीं है। अगर आपका वैक्सीनेशन का शेड्यूल आ गया है तो आप अपना सेकेंड डोज ड्यू है तो सेकेंड डोज कंप्लीट कर ले। अगर जैसे मोस्ट प्रोबेबली जो 1st of May है, भारत देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बता दिया है कि अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 साल की ऊपर की उम्र वाले हैं, उनको भी कंपलसरी सबको वैक्सीन लेना है। तो अगर आपकी उम्र 18 के ऊपर है और अगर आपके पीरियड्स भी शुरू है, जो भी गर्ल्स हैं या तो कोई भी वुमेन है, तो भी आपको वैक्सीन का डोज लेने में देरी नहीं करनी है। पहले मैं बताती हूँ आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल्स हैं, जैसे टीनेज है 19 इयर्स या कोई है 18 इयर्स प्लस है, तो वो भी वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आपके पीरियड डिले है, इरेगुलर है, पीसीओएस की तकलीफ है, ओबेसिटी है, अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, अगर आपका प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट चल रहा है, या तो आपका प्रेगनेंसी है, अभी आपके एंटीनेटल विजिट्स चल रहे हैं, आपकी डिलीवरी हो चुकी है, आप लैक्टेटिंग मदर्स हैं, आपको आप पोस्ट मेनोपॉजल हो, सो कोई भी एज ग्रुप में हो, 18 साल के ऊपर की सब फीमेल्स यह वैक्सीनेशन ले सकती हैं। इसके लिए आपको देर नहीं करनी है फ्रेंड्स। सो मुझे यहाँ पे वही बताना है आपको कि जो वर्ड है वैक्सीनेशन, उसे हमको स्प्रेड करना है लोगों के माइंड में, जो नेगेटिविटी है या तो जो भी मिथ्स है, वो हम सबको मिलके दूर करने हैं। और लास्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है, आपको कोविड की तकलीफ़ हो चुकी है, सो मन में ऐसा मत रखें कि अभी मैंने वैक्सीनेशन ले लिया है तो अभी तो मुझे मास्क की वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जो अपने जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, SMS यानी कि हैंड सैनिटाइज़र विथ 60% अल्कोहल,
मास्क आपको कंपलसरी पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तभी जाके हम सब अपने और खुद की और अपने तो फैमिली मेंबर्स और अपने नियर डियर जो भी हैं उनकी केयर कर सकेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और काफ़ी सारे मिथ्स हैं, तो आप भी, आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, सबको यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपको कोविड वैक्सीनेशन के रिलेटेड या तो और कोई गायनेक टॉपिक रिलेटेड क्वेरीज है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ। थैंक यू।